Hello dear students, this is another video of the chapter Change in Profit Sharing Ratio Among Existing Partners. बेटा आपको मैंने पिछली वीडियोस के अंदर बताया था कि जो वैल्यू ऑफ गुडविल है उसको वैल्यू करने के कुछ मेथड्स हैं, मतलब कि गुडविल को वैल्यू करने के तीन मेथड्स बताए थे. एक बताया था सिंपल सॉरी एवरेज प्रॉफिट मेथड, एक बताया था मैंने आपको सुपर प्रॉफिट मेथड, और तीसरा मेथड आपको मैंने बताया था कैपिटलाइजेशन मेथड. फिर मैंने ये बताया था जो पहला मेथड है जिसको हम एवरेज प्रॉफिट मेथड कहते हैं, उसके दो पार्ट्स थे. एक था सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा था वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड. फिर सेकेंड जो हमने कराया था सुपर प्रॉफिट मेथड. ठीक है, थर्ड पॉइंट है कैपिटलाइजेशन मेथड. कि गुडविल को वैल्यू करने के जो तीन मेथड हैं उसमें से ये थर्ड मेथड आज मैं कराने जा रही हूँ, क्योंकि पिछली वीडियोस में मैंने आपको पहले दो मेथड्स करवा दिए हैं. ये दो तरह का होता है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, अगला है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड. अब बात करें हम पहले कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड की. पहले इसका मतलब क्या होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट. देखो बेटा, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट का मतलब है कि एवरेज प्रॉफिट को कमाने के लिए हमें कितना पैसा बिजनेस में इंप्लॉय करना चाहिए. इंप्लॉय का मतलब था कितना कैपिटल इंप्लॉयड, मतलब कितना कैपिटल लगानी चाहिए बिजनेस में, या जिसको हम कैपिटल इन्वेस्टेड भी कहते हैं, कि एवरेज प्रॉफिट को कमाने के लिए बिजनेस में कितना पैसा लगाना चाहिए उसको हम कहते हैं कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट. तो दोबारा सुन लो, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट का मतलब होता है कि एवरेज प्रॉफिट को कमाने के लिए हमें कितना पैसा लगाना चाहिए. लेकिन जब हम जितना पैसा लगाते हैं और ये जो कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकल के आती है, अगर कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैपिटल एम्प्लॉयड से ज्यादा हो, कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या है कि मान लो इसका आंसर हमारा 10 लाख आता है और हमने बिजनेस में 8 लाख रुपीज लगाए हुए हैं, 8 लाख कैपिटल एम्प्लॉयड है, तो 2 लाख जो है वैल्यू गुडविल निकल के आएगी. तो अब मैं आपको दोबारा बता रही हूँ बेटा, कैपिटलाइजेशन और एवरेज प्रॉफिट मेथड में हमने गुडविल कैसे निकालनी है. हमने फार्मूला लिखा हुआ है कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. इसका मतलब फिर दोबारा समझ लो, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट मींस कि हमें बिजनेस में एवरेज प्रॉफिट कमाने के लिए कितना पैसा बिजनेस में लगाना चाहिए. अगर हम ज्यादा लगाते हैं पैसा और हमारी जो आंसर आ रहा है कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट वो कम है, इट मीन्स हमारी जो है कोई भी गुडविल नहीं है. गुडविल तभी निकलती है, फार्मूला देखो, वैल्यू ऑफ गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड. कि जो हमारी कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट ज्यादा हो जाए और कैपिटल एम्प्लॉयड कम हो जाए तो हमारी जो है बिजनेस के अंदर क्या है वैल्यू ऑफ गुडविल निकल के आएगी. मीन्स जो हमारे इसका आंसर आ गया उसमें से कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस करना है. बेटा कैपिटल एम्प्लॉयड होती क्या है, जो पैसा बिजनेस के अंदर लगाया जाता है उसको हम कैपिटल एम्प्लॉयड या फिर क्या कहते हैं कैपिटल इन्वेस्टिंग इन द बिजनेस कहते हैं. और बेटा कैपिटल एम्प्लॉयड का फार्मूला जो है आपको मैं पहले ही करा चुकी हूँ पिछली वीडियो के अंदर. कैपिटल एम्प्लॉयड की दो अप्रोच है, एक एसेट अप्रोच है और एक कौन सी अप्रोच है, लायबिलिटी अप्रोच है. आप उसमें से एक बार दोबारा देख सकते हैं कि कैपिटल एम्प्लॉयड का फार्मूला क्या है. अब बात करें कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड. आपको पता है सुपर प्रॉफिट कौन सा प्रॉफिट होता है, एक्सेस ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट ओवर सॉरी फार्मूला इज सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. कि जितना नॉर्मल प्रॉफिट है अगर हमारा एवरेज प्रॉफिट उससे ज्यादा है तो क्या निकल के आता है, सुपर प्रॉफिट निकल के आता है. अब देखो इसका फार्मूला क्या सीधा, वैल्यू ऑफ गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रिटर्न. इसका मतलब क्या है, सुपर प्रॉफिट एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है जो नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा होता है. एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाने के लिए हमें बिजनेस में कितना पैसा कमाना चाहिए उसको हम क्या बोलते हैं, वैल्यू ऑफ गुडविल. दोबारा सुनो, सुपर प्रॉफिट क्या होता है, एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट. की नॉर्मल प्रॉफिट से जितना ज्यादा एवरेज प्रॉफिट होगा उसको हम सुपर प्रॉफिट कहते हैं. मीन सुपर प्रॉफिट को कमाने के लिए हमें बिजनेस के अंदर कितना पैसा लगाना पड़ेगा उसको हम कहते हैं वैल्यू ऑफ गुडविल. वैल्यू ऑफ गुडविल का फार्मूला क्या है, सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. अब कभी कभी बेटा क्वेश्चन के अंदर ना हमें क्या लिखा होता है कि कैलकुलेट गुडविल ऑफ बाय यूजिंग कैपिटलाइजेशन मेथड.
कि गुडविल की वैल्यू निकालो कैपिटलाइजेशन मेथड से, तो हमें ये नहीं बेटा बताया होता कि कौन से वाला मेथड लगाना है, कि कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड लगाना है या कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड लगाना है। तो आप बेटा दोनों ही जो है दोनों से निकाल दो आंसर, क्योंकि हमारे को ऐसा भी हो सकता है जैसे मान लो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 1.5 1.5 इसके मिल जाए, या ऐसा भी हो जाता है बेटा कहीं मैं 4 मार्क्स का था 2 2 मार्क्स का आ जाए, लेकिन लिखा नहीं हो उन्होंने बाय कैपिटलाइजेशन मेथड वैल्यू गुडविल पूछी है, तो दोनों में ही आंसर हमारे क्या आ जाता है बच्चे सेम आता है। तो आप दोनों ही मेथड लिख दो, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में स्पेशली मेंशन होता है कि कैलकुलेट वैल्यू गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट मेथड, तो ये वाला लगेगा। और कई बार क्वेश्चन में स्पेशली लिखा होता है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, तो ये लगेगा। लेकिन जब कुछ भी मेंशन ना हो कि कैपिटलाइजेशन मेथड कौन से वाला लगाना है, तो आप दोनों ही मेथड्स को क्या कर देना, यूज कर लेना, फार्मूला लगाकर उसकी वैल्यू निकाल लेना वैल्यू गुडविल की। बेटा अब मैं आपको पहले कौन सा करवा रही हूँ मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड करा रही हूँ। बेटा आपकी बुक का जो है मैं क्वेश्चन नंबर 17 जो है पहले रीड कर रही हूँ, फिर आपको समझा कर करवाती हूँ बोर्ड के ऊपर। बेटा नाउ आई एम रीडिंग द क्वेश्चन, द एवरेज प्रॉफिट ऑफ अ फर्म इज ₹48,000। इस क्वेश्चन के अंदर हमें प्रॉफिट दिया हुए फर्म के 48,000 के एवरेज प्रॉफिट्स, एंड टोटल एसेट्स ऑफ द फर्म आर 8 लाख एंड वैल्यू ऑफ अदर लायबिलिटीज इज 5 लाख। हमें एसेट दे रखी है 1 लाख की, लायबिलिटीज 5 लाख की है। तो आप पता जब हम एसेट में से लायबिलिटीज माइनस करते हैं तो हमारी क्या निकल के आती है, कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न इन द सेम बिजनेस इज 12%, हमें बिजनेस की एवरेज रेट ऑफ रिटर्न दे रखी 12%। कैलकुलेट गुडविल फ्रॉम द कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। बेटा इस क्वेश्चन के अंदर हमें स्पेशली मेंशन है कि कौन सा मेथड लगाना है कैपिटलाइजेशन का, हम वो लगाएंगे। अब बेटा मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरह से इसको क्या करना है बेटा, सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 17, सबसे पहले हमें क्या रखे हैं बेटा, एवरेज प्रॉफिट दे रखे हैं, तो हमने लिख दिया एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 48,000, ठीक है। फिर हमने कौन सा मेथड लगाना है, क्योंकि इन्होंने पूछा कहा हुआ है क्वेश्चन के अंदर कि हमें कौन सा फॉलो करना है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो आप सबसे पहले क्या निकालेंगे, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स। बेटा मैं फार्मूला नहीं लिख रही, इसे मैं बता रही हूँ, इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमें 12 दे रखा है, ठीक है। तो हमारा आंसर आ जाएगा ₹4 लाख। अब आपको पता है कि हमें कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए, तो कैपिटल एम्प्लॉयड का फार्मूला आपको दोनों अप्रोचेस पता है, एसेट अप्रोच भी पता है और लायबिलिटी अप्रोच भी पता है। इसमें हमारे पास एसेट्स दे रखी है, एसेट्स बेटा 8 लाख की है और लायबिलिटीज कितनी है 5 लाख की, तो हम 8 लाख में से 5 लाख माइनस करके हमारा जो आंसर आ जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड का ₹3 लाख है। तो देखने से ही पता चल रहा है कि जो हमारी एवरेज प्रॉफिट कमाने के लिए क्या चाहिए, हमें 3 लाख कैपिटल एम्प्लॉयड लगानी लगी हुई है हमारे बिजनेस में, पर हमें लगानी कितनी चाहिए 4 लाख। तो वैल्यू ऑफ गुडविल कितनी आ जाएगी, वैल्यू ऑफ गुडविल का फार्मूला क्या है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर एवरेज प्रॉफिट में, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। तो आप देख सकते हैं हमारा आंसर क्या आ गया, 1 लाख रुपीज आ गया। इट मीन्स कि हमें 3 लाख रुपए है हमने लगा रखे हैं, जबकि हमें अगर हम एवरेज प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो हमें 4 लाख लगाने चाहिए। तो दोनों का जो डिफरेंस आ गया वो क्या आ गया, 1 लाख। बेटा अब मैं क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो रीड कर रही हूँ, पहले सुनिए। अनुपमा पूर्णिमा एंड रुचिका आर पार्टनर इन ए बिजनेस, बैलेंस इन देयर कैपिटल एंड करंट अकाउंट एज ऑन 31 मार्च 2019 वर। अनुपमा की बेटा कैपिटल 6 लाख है और करंट अकाउंट के बैलेंस जो है वो 60,000 है पर वो डेबिट है। पूर्णिमा की कैपिटल जो है वो कितने की है, 5 लाख की है, लेकिन करंट अकाउंट पे डेबिट के 30,000 के बैलेंस है। अब बात करें रुचिका की, रुचिका की कैपिटल जो है 5 लाख की है और करंट अकाउंट के बैलेंस बेटा 10,000 क्रेडिट दे रखे हैं। और फॉर्म ने क्या कर रखा है बेटा, अर्न किया है एवरेज प्रॉफिट 2,40,000 का, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12% दे रखी है। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो बेटा पहले इसका सोल्यूशन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 आप पहले क्या निकाल देंगे, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स
आपको फार्मूला पता बेटा, एवरेज प्रॉफिट्स इन 200 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटलाइज योर डिफरेंट प्रॉफिट हम क्या लिख देंगे, 240,000 इंटू 100 अपॉन 12 कितना आ जाएगा, 20 लाख रुपीस। बेटा ये क्या आ गया, ये हमारी आ गई है कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स। अब बात करें हम तो क्या करना है, हमारे जो पार्टनर्स हैं उनकी कैपिटल दे रखी है 6 लाख 5 लाख 5 लाख, लेकिन उनकी जो करंट अकाउंट के बैलेंसेज हैं एक का 60,000 है, वो डेबिट है, तो 6 लाख में से क्या हो जाएगा, 60,000 माइनस हो जाएगा। बात करें हम पूर्णिमा की, उसका कैपिटल अकाउंट 5 लाख है, उसका करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस 30,000 है, वो भी इसमें से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। रुचिका का जो है वो कैपिटल अकाउंट 5 लाख दे रखा है और 10,000 उसका करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, उसमें क्या हो जाएगा, प्लस। बेटा हम क्या निकालेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे। इस क्वेश्चन में बेटा हमारे पास कैपिटल दे रखी है पार्टनर की, कैपिटल अकाउंट प्लस करंट अकाउंट, ठीक है। हमारा रिजर्व तो है नहीं, आपको याद होगा कि जब हम लायबिलिटी अप्रोच करते थे तो कैपिटल एम्प्लॉयड का फार्मूला क्या होता था, पार्टनर्स कैपिटल प्लस रिजर्व्स, ठीक है, माइनस कर देते थे हम उसमें से वैल्यू ऑफ गुडविल माइनस नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट माइनस फिक्टिशियस एसेट्स। तो अब हमारे पास सिर्फ यही दे रखा, कैपिटल अकाउंट दे रखी है और करंट अकाउंट दे रखा है। अब आप देखिए अनुपमा की कैपिटल कितनी है, 6 लाख है, और पूर्णिमा की बेटा 5 लाख है, और तीसरे पार्टनर की कैपिटल भी 5 लाख ही है, और करंट अकाउंट के बैलेंस जो दे रखे हैं बच्चे हमें, दो के तो डेबिट दे रखे हैं, वो क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। 60,000 है एक का, दूसरे का बेटा कितना है, 30,000 है, ये माइनस इसलिए होने के लिए डेबिट बैलेंस गिवन है, और ये प्लस हो जाएगा 10,000 के, इसका क्या है, क्रेडिट है। अब दोबारा समझो, तीनों की कैपिटल लिख दी हमने, ठीक है, उसमें से 60,000 30,000 क्यों माइनस करने हैं, क्योंकि ये कैपिटल जो करंट अकाउंट के बैलेंस है वो डेबिट है, ठीक है। जो है प्लस में आ जाएगा और माइनस में 90,000 आ जाएगा। देखिए दोबारा से इस सब जितने भी प्लस वाले मैंने उसको प्लस कर लिया और माइनस माइनस वाले को अलग प्लस कर लिया, तो कितना आगे 15,20,000, ठीक है। अब वैल्यू ऑफ गुडविल का फार्मूला बेटे आपको आता ही है, वैल्यू ऑफ गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट जो कि हमने निकाला था 20 लाख, माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड जो कि हमारा है 15,20,000। तो आंसर बेटा आ गया ₹4,80,000, ठीक है। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 19 पहले रीड कर रही हूँ। कैलकुलेट द वैल्यू गुडविल अकॉर्डिंग टू द कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड इन द क्वेश्चन नंबर 17। बेटा अब जो हमने क्वेश्चन नंबर 17 इससे पहले किया था ना, वही वाला लेना है क्वेश्चन, और आंसर हमने सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालना है। तो आपको बताया था मैंने कि एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकालें कैपिटलाइजेशन करें, या हम करें कैपिटलाइजेशन और सुपर प्रॉफिट मेथड से वैल्यू गुडविल का आंसर क्या आता है, सेम आता है। अब दोबारा मैं क्वेश्चन को रीड कर रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 17, ताकि सुपर प्रॉफिट बता सकूँ कैसे आएगा। एवरेज प्रॉफिट हमें 48,000 दे रखा है, टोटल एसेट्स 8 लाख की है, लाइबिलिटीज 5 लाख ही है, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न 12% है, कैलकुलेट करना है गुडविल कैपिटलाइजेशन और सुपर प्रॉफिट मेथड से। तो बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 19, सबसे पहले आपको एवरेज प्रॉफिट दे रखा है, निकालने की जरूरत नहीं है, आपको नॉर्मल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल इन्वेस्टेड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। अब कैपिटल इन्वेस्टेड कितनी है बेटा, कोई कैपिटल इम्प्लॉयड हमने निकाली थी ना बेटा 3 लाख रुपीज, दोबारा नहीं निकाल के बता रही, वैसे ओवरऑली बता देती हूँ। एसेट्स 8 लाख थी, माइनस लाइबिलिटीज 5 लाख, तो 3 लाख आई थी ना, 3 लाख का हमने क्या करना है बेटा 12% करना है, 36,000 आ जाए, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में बेटे एवरेज प्रॉफिट दे रखा है 48,000, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 48,000, ठीक है।
अब हमें सुपर प्रॉफिट का फार्मूला पता है, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट्स माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स। अब हम क्या करेंगे, 48,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट कितना, 36,000। तो हमारा आंसर क्या आ गया बेटा, 12,000 सुपर प्रॉफिट आ गया। अब सुपर प्रॉफिट मेथड जो है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करें कैपिटलाइजेशन मेथड में, तो फार्मूला क्या होता है, वैल्यू ऑफ गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो मैं सीधा ही आंसर लिख रही हूँ बेटा, इसका आंसर कितना आ जाएगा, ₹1,00,000। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर भी हमारा 1,00,000 ही है, तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर भी हमारा क्या है, 1,00,000 आया है। ठीक है, अब बात करें लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का, क्वेश्चन नंबर 20। इसके अंदर हमारे वो वाले मेथड्स आ जाएंगे जैसे हमने एवरेज प्रॉफिट भी किया था, सुपर प्रॉफिट मेथड भी किया था, और यहाँ पर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड पूछा गया है। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट नहीं पूछा तो हम नहीं निकालेंगे। पहले क्वेश्चन को रीड कर रही हूँ, देखिए द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेट टू अ पार्टनरशिप फर्म। इन्होंने दे रखे हैं 6 ईयर दे रखे हैं, फर्स्ट ईयर में 20,000 का प्रॉफिट है, सेकेंड ईयर में 60,000 का प्रॉफिट है, थर्ड ईयर में 10,000 का लॉस है, फोर्थ ईयर में बेटा 60,000 का प्रॉफिट है, फिफ्थ ईयर में 50,000 का प्रॉफिट है, सिक्स्थ ईयर में 72,000 का प्रॉफिट है। अब क्वेश्चन के अंदर बेटा हमें एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड दिए है। वैसे मैंने बताया था कि कैपिटल एम्प्लॉयड लगाते हैं फार्मूले में, लेकिन जब क्वेश्चन में एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाए तो हम एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड ही लेते हैं। रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट इज 15%। अब बोला फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो ये कौन सा मेथड, सबसे पहले वाला मेथड जिसमें हमने एवरेज प्रॉफिट का फार्मूला जो है क्या लगाया था, टोटल प्रॉफिट्स फॉर नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, फिर वैल्यू ऑफ गुडविल का फार्मूला क्या था, एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सेकेंड पॉइंट पूछा 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट वाला मैंने अभी कराया, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। फिर वैल्यू ऑफ गुडविल का फार्मूला क्या होगा बेटा, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब थर्ड पॉइंट है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड में क्या होता है, वैल्यू ऑफ गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। बट अब हम स्टेप बाय स्टेप सीखते जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20। सबसे पहले हम बात करें एवरेज प्रॉफिट्स की। एवरेज प्रॉफिट के लिए हमें नजर आ रहा है क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट्स भी हैं और लॉसेस भी। प्रॉफिट्स को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। पहले मैं सारे प्रॉफिट्स देखो, फर्स्ट ईयर में 20,000 का प्रॉफिट है, सेकंड ईयर में 60,000 का प्रॉफिट है, थर्ड ईयर में 10,000 का हमें क्या दिया हुआ है, लॉस दिया हुआ है। और अब हम क्या करेंगे, जो 60,000 फोर्थ ईयर में प्रॉफिट है उसको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। 50,000 का प्रॉफिट भी हम प्लस कर देंगे फिफ्थ ईयर का, 72,000 को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। बस ईयर कितने बटा 6 है तो हम 6 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। क्लियर हो गया, देखिए टू लाख 62,000 आ गया प्लस वाला, और माइनस में 10,000 है। ठीक है बेटा, अपॉन 6 ये आ जाएगा 252,000। एक बार मैं दोबारा देख लेती हूँ टोटल, ठीक है बेटा 252 ये आ गया, 42,000 क्या आया है एवरेज प्रॉफिट आया है। अब हमें कौन सा एक बोला गया, नंबर 1 ही पूछा गया, वैल्यू ऑफ गुडविल निकालनी है। वैल्यू ऑफ गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज बेटा हमें 4 दे रखे हैं, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 168,000 बेटा हमारा एक आंसर आ गया। अब सेकंड पार्ट में हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, पहले हमें सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए नॉर्मल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। ये बेटा फर्स्ट पार्ट था, नॉर्मल प्रॉफिट हम पहले कैसे निकालेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू, शुरू में ही आप लिख देगा बेटा फर्स्ट नंबर 1 करके, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज कैपिटल कर लेंगे, हमें दे रखा 2,00,000 इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15% दे रखे, 15/100 कितनी आ गई, 30,000। ठीक है बेटा, अब सुपर प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स। एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना निकल के आया था बेटा, 42,000, और जो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट है वो कितना आया, 30,000। तो आंसर बेटा हमारा क्या आ गया, ₹12,000। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ गुडविल। क्वेश्चन नंबर 20 ही है, इसके जो है क्या है,
पार्ट है। अभी सेकेंड पार्ट का मैं आंसर बता रही हूँ। वैल्यू गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। बेटा आप देखिए सुपर प्रॉफिट कितना आ गया हमारा 12,000। नंबर ऑफ ईयर परचेज बेटा हमें 4 दे रखे हैं तो वैल्यू गुडविल कितनी निकल के आएगी 48,000। अब बात करें लास्ट थर्ड जो है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड बोला गया है, तो आप हेडिंग डाल दीजिए कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट इजी पर। फिर इसमें हम क्या करेंगे, इसके वैल्यू गुडविल क्या आती है बेटा, वैल्यू ऑफ गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू 100। सुपर प्रॉफिट कितना आया 12,000 इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बेटा हमें 15 दे रखे हैं तो कितना आ जाएगा ₹80,000। बेटा आज आपने इस वीडियो में क्या सीखा, पहले तो मैंने ये बताया था कि गुडविल को निकालने के 3 मेथड्स हैं, एक है एवरेज प्रॉफिट मेथड, एक है सुपर प्रॉफिट मेथड और एक है कैपिटलाइजेशन मेथड। पहले 2 मेथड तो मैं आपको पिछली वीडियोस में करा चुकी थी, आज हमने कैपिटलाइजेशन मेथड को सीखा और मैंने आपको ये बताया कैपिटलाइजेशन मेथड जो है वो 2 तरह का होता है, एक कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड होता है और एक कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड होता है। बेटा दोनों में से कौन सा ऑप्ट करना है वो क्वेश्चन की लैंग्वेज पर डिपेंड करता है। जैसे अभी मैंने जो क्वेश्चन कहा था सुपर प्रॉफिट से निकालना था, अगर क्वेश्चन में कुछ भी ना लिखा सर्वे लिखा कैलकुलेट द गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन मेथड तो हमें दोनों ही करने पड़ेंगे, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट भी और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट भी। बेटा आपने लेकिन 1-2 क्वेश्चन ऐसे किए हैं, वैसे तो आपने नहीं सीखा कैपिटलाइजेशन के दोनों मेथड इस वीडियो के अंदर, लेकिन आपने एक ये लास्ट वाला क्वेश्चन है इसके अंदर दोनों मेथड्स तो सीखे सीखे, एवरेज प्रॉफिट मेथड भी सुपर प्रॉफिट मेथड भी गुडविल निकालने का और कैपिटलाइजेशन मेथड सुपर प्रॉफिट के बेस पर निकालने का वो हमने सीखा। सो स्टूडेंट्स आई होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक वेल, सेव यू विद मी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।